राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब लगातार माहौल गर्म होता जा रहा है। दरअसल 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है, इसलिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड फैक्टर काम कर रहा है। दोनों के प्रत्याशी का झारखंड से गहरा नाता है। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 6 साल तक झारखंड की राज्यपाल रही है। वही यूपीए प्रत्याशी शेषवंत सिन्हा केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं और उनकी राजनीतिक जमीन भी झारखंड में ही है। इसके साथ ही यशवंत सिन्हा 3 बार हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से जीतकर सांसद भी पहुंच चुके हैं। वहीं अब यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा भाजपा से सांसद है। पिता यशवंत सिन्हा के द्वारा छोड़ी गई लोकसभा सीट से भले ही जयंत सिन्हा हजारीबाग का प्रतिनिधित्व संसद में कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा सीन बना है कि पिता को पुत्र भी का ही वोट नहीं मिलेगा। जयंत सिन्हा से पहले ही ये घोषणा कर दी गई थी कि उनका वोट पार्टी के अधिवक्त प्रत्याशी को ही जाएगा। जाहिर है कि सियासत के माहिर खिलाड़ी यशवंत सिन्हा अपने पुत्र के वोट से भी पूरी तरह से वंचित रह जाएंगे। फिलहाल जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है उसके देखते हुए कहा जा सकता है कि यशवंत सिन्हा हारते हुए नजर आ रहे हैं।